नमस्कार, मैं श्यामराव मुखाशी, महाराष्ट्र के सभी रिक्शा चालक यही वीडियो पूरा देखिए और शेयर कर दीजिए, वीडियो पूरा सुन लीजिए। जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे तब आपको रिक्शा के बारे में, परमिट के बारे में समझ जाएगी। जब रिक्शा का परमिट दिया जाता है वो आपको 5 साल के लिए ही दिया जाता है और खुद एक पाली चलाने का रहता है और अपने को जब काम धंधा दूसरा लगेगा, नौकरी लगेगा तो परमिट जमा करने का रहता है। काम धंधा जो नौकरी पे है, जो परमिट निकालता है वो बेकायदेशीर है, वो कार्रवाई होती है। अभी इधर परमिट की कालाबाजारी बहुत चल रही है और रिक्शा वालों अभी इतना ही ध्यान में रख दीजिए, जब आप ड्राइवर भी रखेंगे तो उसके पास लाइसेंस मिलना होगा तो उसको ही गाड़ी चलाने को दे दो एक शिफ्ट, बाकी आपको एक शिफ्ट चलाना ही है। और अभी आधार ओटीपी से सब ट्रैक हो रहा है, तुम्हारा राशन कार्ड वगैरह सब आधार ओटीपी से पासिंग भी होएगा। और अभी खुद का काम खुद करना है। अभी देखो, अपने को 5 साल के बाद परमिट की, 5 साल के पहला 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, अगली 15 दिन पहला, मतलब 3 महीना भी 4 महीना भी आप परमिट पहला नूतनीकरण करके लीजिए। अभी नूतनीकरण करने की प्रक्रिया ये एकदम सोपी है और आपका खाली 500 रुपये में ही परमिट नूतनीकरण होता है। कोई भी आरटीओ के सामने जाएगा तो आपको एक सादा फार्म रहता है, उसमें माहिती रहते हैं कि उसमें क्या लिखा जाता है, आपका परवाना धारक का नाम, आपका परवाना क्रमांक, उसकी वैधता और आपका मोटर वाहन का क्रमांक, तुम्हारा लाइसेंस का क्रमांक, लाइसेंस कभी तक है, नूतनीकरण कभी है, तुम्हारा बिल्ला क्रमांक क्या है, तुम्हारे गाड़ी का फिटनेस कभी तक है, वाहन का तुमने कर भरा है क्या नहीं, तुम्हारा विमा कभी तक है, वाहनावर्ती भाड़े करार मतलब बैंक का लोन बिन है क्या नहीं, बैंक का लोन होएगा तो आपको बैंक का पत्र लगता है। और तुमको उधर खटला विभाग का एक ना हरकत सिक्का लेना पड़ता है आरटीओ में, और सब प्रदूषण दाखला मतलब ये अपना पीयूसी है क्या नहीं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब इतने ही पेपर लगते हैं। परमिट नूतनीकरण करते समय जो रिक्शा पे बैंक का कर्जा है उसने बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आने का है, बैंक वाले देते हैं। और परमिट नूतनीकरण की फी 500 रुपये है और ये सब काम खुद करना है। अभी सभी रिक्शा वाले अपने जेब में एक पेन रखो, कोरा कागज़ रखिए। देखो आपने लूट कैसी होती है, ये लूट बचाने का है। और अभी सब ऑनलाइन से ये काम हो रहा है। ये काम जब ऑनलाइन से होता है तब अपने ही मोबाइल से ये अपन ऑनलाइन करना है और ओटीपी आता है, ओटीपी सिलेक्ट करने का रहता है तो आपको न्याय मिलेगा। आप खाली परमिट परमिट करो मत, मतलब खुद का परमिट खुद नूतनीकरण करना है तो आपका खाली 500 रुपये में ही परमिट नूतनीकरण होएगा। किसको पैसा देने का ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। और आप बोलते हैं ना कि आरटीओ वाले बोलते हैं कल आओ परसों, बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तुम लोग डायरेक्ट जाते नहीं, डायरेक्ट जाने का है, खाली देखो 2-3 अधिकारी का साइन लगता है, वो 2 घंटे में भी देता है, डायरेक्ट तुम बोलना है जाते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब गाड़ी का पेपर का जेराक्स, खाली वो फार्म को जोड़ना है, बैंक का लेटर होएगा तो बस आपका परमिट एक ही दिन में नूतनीकरण करके आप परमिट लेके आ सकते हैं। परमिट पे फोटो लगाने का है, 2 फोटो का कॉपी भी लेके जाना है तो सभी खुद काम करेगा ना। अधिकारी को बिंदास बोलने का है, मेरा परमिट है, मैं पासिंग करने के लिए आया है, कल काय के लिए आ जाओ। अधिकारी एक ही विंडो पे बैठे ले रहते हैं, 3-3 अधिकारी, खाली तुम्हारा सहायक परिवहन अधिकारी का साइन लाना पड़ता है, वो हो गया तो लेना है परमिट। वो बोलेंगे कल आओ परसों आओ नरसों आओ, काय के लिए कल परसों नरसों, वो एक ही दिन में 2 घंटे में भी परमिट ये नूतनीकरण हो सकता है और करने का ये है। और आप जब तक खुद का काम खुद नहीं करेंगे तब तक आपका साल का बचत 15-20 हज़ार रुपये नहीं होएगा। ये भी सभी रिक्शा वालों ध्यान में रख दीजिए, ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि मूंछ वाले मोकाशी यूट्यूब का वीडियो आप देखते रहिए तो आपको वाहतूक विभाग, ट्रांसफर विभाग, आरटीओ विभाग की तुमको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें भी वीडियो रहते हैं, डेली का डेली वीडियो डाला जाता है और आपको कोई भी अड़चन नहीं आएगी। खुद का काम खुद करो, परमिट नूतनीकरण
खुद करो, एक ही दिन में आपको परमिट मिलता है। ये खाली बाकी सब बोम्बा बम करते हैं कि 15 दिन लगता है, 20 दिन, ऐसा कोई भी नहीं। तुमको टाइम में नहीं काम करेगा, सामने काम हो गया तो तुमको प्रिंट आउट करके देना है उसने, और परमिट पे फोटो भी लगाने का है। तो खुद का परमिट खुद नूतनीकरण करो। ये सभी रिक्शा चालकों ने ध्यान में रखो, ये वीडियो शेयर करो और सभी जन ने मूंछ वाला मोकाशी यूट्यूब देखती रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।